By the Bernie model, safe stock trading and safe stock trading and investments. मैंने ये buy sell signal कम screener load किया है. ये आप मेरा वेबसाइट में लिंक में आपको मिल जाएगा. ये कैसे स्क्रीनर ऐसे यूज का, इसमें क्या 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 है और कैसे यूज करना है मैंने आपको दिखाता हूँ. इसमें FNO स्टॉक्स है पहला सीट में, दूसरे सीट में कमोडिटीज है, तीसरे सीट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, एंड चौथा सीट में निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का फिबोनाची एंड पिवट पॉइंट लेवल्स दिया गया है. तो इसको आपको क्या क्या मिलेगा, आपको लास्ट डेट प्राइस मिलेगा, चेंज प्राइस, चेंज इन प्राइस मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, चेंज इन वोलेटिलिटी वॉल्यूम मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, डिलीवरी प्रोबेबिलिटी आप फॉर अप एंड डाउन मिलेगा, बाय सेल लेवल फॉर एट द एंड ऑफ द डे मिल जाएगा, बाय सेल लेवल्स फॉर 1 वीक, बाय सेल लेवल्स फॉर 15 डेज, बाय सेल लेवल फॉर 30 डेज, बाय सेल लेवल्स फॉर 52 वीक, एंड LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एंड उसके हिसाब से बाय सेल का पोजीशन क्या है, कौन सा पोजीशन है, रेजिस्टेंस के अंदर है और पिवट पॉइंट के अंदर है, R1 R2 के अंदर है, R2 R3 के अंदर है, R4 R5 के अंदर है, क्या सपोर्ट लेवल्स का अंदर में है, वो आपको मिल जाएगा. आपको ये ट्रू फॉल्स देखना पड़ेगा. उसके बाद आपको प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट भी दिखा जाएगा, नियर हाई लोस भी देख सकता है. उसके बाद आप मूविंग एवरेजेस एंड पिवट पॉइंट भी देख सकता है. अब ये LTP वर्सेस बाय सेल लेवल जो है वो आपको ट्रू फॉल्स देख के डिसाइड करना है. ट्रू फॉल्स देख के आपको सिग्नल मिलेगा. और जो नियर हाई लोस है वो एक से जो वैल्यू कम है वो आपको देखना पड़ेगा, और जो न्यू हाई लोस बनेगा उसका वैल्यू जीरो आएगा. आप इसको फिल्टर कैसे करें, फर्स्टली आप इसको ये सिंबल रो को क्लिक कीजिए, उसके बाद डाटा में जाइए, डाटा के बाद फिल्टर लगाइए. आपको इधर फिल्टर आ गया. आप चाहे तो इसको चेंज इन प्राइस चेंज नेगेटिव और पॉजिटिव आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, वो आपको पॉजिटिव प्राइस दिखाएगा. इसमें भी आप कर सकता है, ये इसमें P1, P2, P1 परसेंटेज में लगा सकता है. चेंज इन वॉल्यूम जो इसको कुछ करना नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके लगा सकता है. आप जो प्राइस आप मतलब पॉजिटिव में है इसका ये जो वोलेटिलिटी है ये आप कर सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू आप 2 रख सकता है फॉर इंटरडे के लिए, और जब स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कम वोलेटिलिटी रखना पड़ेगा. ये आप इधर अप डाउन इसको कर सकते हैं फिल्टर, और बाय सेल लेवल में आप जा सकते हैं इधर कौन सा ट्रू फॉल्स है वो आप लिख सकते हैं. आप फॉल्स को हटा दीजिए, आपको ट्रू वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा. इसके आप कंपेयर कर सकते हैं टू वेरियस टाइम फ्रेम से. ये दे आपका 5 डेज का, ये आप 15 डेज का भी एक ही कर सकता है. तो इसको आप आ जाएगा, आपका शॉर्ट आ जाएगा. इसको आपका कंपेयर कीजिए न्यू हाई लोस न्यू लोस के लिए, तो आपको
एक कौन सा बाई करना है, कौन सा सेल करना है, तो ये आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो एलटीपी को